Good evening, students. I hope you're really enjoying your peaceful life at home these days. You utilize this time as much as possible for covering your backlogs and everything. And don't just sit there and worry about corona and people dying and everything. That is not your concern as of now. ठीक है? Okay. ये हमारा लेक्चर में काफ़ी टाइम हो गया है एंड वी वर ऑन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एंड दिस इज वन स्मॉल लेक्चर ऑन दैट टॉपिक एंड देयर विल बी वन मोर लेक्चर विल बी कमिंग अप दैट विल कंक्लूड दैट चैप्टर. दिस इज ऑन द टॉपिक अर्ली एक्सपेरिमेंट्स. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर करके they created all that information about photosynthesis जो कि अभी आप पढ़ रहे हो. लेकिन उसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने छोटे 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 एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं इन द पास्ट. सो वी गोइंग टू लुक एट दोज एक्सपेरिमेंट्स. द फर्स्ट वन इज टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्टर्ब्ड प्लांट लेते हैं. डीस्टार्च पॉटेड प्लांट क्या होता है, एक प्लांट उसके लीव्स के अंदर वो फोटोसिंथेसिस करता रहेगा तो उसके लीव्स के अंदर पहले से ही ग्लूकोज स्टार्च वगैरह भरा हुआ रहेगा. तो हम उसको डीस्टार्च करने के लिए क्या करते हैं, वी कीप इट इन द डार्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से वो मर तो नहीं जाएगा लेकिन उसके अंदर के लीव्स का सारा ग्लूकोज स्टार्च वगैरह सारा कंज्यूम हो जाएगा. सो इट विल बिकम डीस्टार्च्ड. अब ऐसे प्लांट को आप क्या करते हो, उसके दो तीन लीव्स को आप ब्लैक कलर से कवर करते हो एंड देन यू कीप दिस प्लांट आउट इन द सनलाइट. टू थ्री लीव्स आर कवर्ड विद ब्लैक पेपर. आप समझ रहे हो ब्लैक पेपर क्यों कवर किया जा रहा है, सो दैट दीज लीव्स आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. उसके बाद आप इस प्लांट को टू थ्री आवर्स के लिए सनलाइट में रखते हो एंड देन यू चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ starch in these covered leaves and in the exposed leaves. How do you check for the presence of starch? Can you tell me? Using iodine test. जी हाँ, using iodine test. तो iodine test करने के बाद आपको पता चलता है कि जो leaves covered थे black paper से उनमें iodine test positive नहीं निकलेगा और जो leaves कवर्ड नहीं थे एक्सपोज थे उसमें आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा. मतलब जो एक्सपोज लीव्स हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट मिलेगा. व्हाट इज दिस प्रूफ, दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसके लीव्स वेरीगेटेड हो. वेरीगेटेड लीव्स क्या होते हैं, इफ यू कैन जस्ट टेक अ लुक. Look at that. Can you see that leaf that I've shown on the right side? उसमें कुछ white color के sections हैं. वहाँ पे chlorophyll present नहीं है. ठीक है? तो आप ऐसे plant को क्या करते हो? Destarch कर लेते हो. The plant is normally having such kind of leaves only. Okay? You must have seen this. It's quite common. ऐसे plant को आप destarch कर लेते हो. सारा उसका starch, glucose वगैरह निकल जाता है. और उसके बाद फिर आप इस प्लांट को सनलाइट में लग देते हो फॉर टू थ्री आवर्स. आफ्टर टू थ्री आवर्स यू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स. तो आपको क्या पता चलेगा, व्हाट विल यू फाइंड, कि जो पार्ट्स वेरीगेटेड है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे आपको स्टार्च प्रेजेंट नहीं मिलेगा. जो पार्ट्स ग्रीन कलर के हैं वहीं पे आपको स्टार्च प्रेजेंट मिलेगा. इसका मतलब यह है कि सिर्फ लाइट होने से काम नहीं चलता, क्लोरोफिल होना भी जरूरी होता है. ठीक है, दैट वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट. थर्ड एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नेसेसरी. अब देख रहे हो ना क्या करें हम चेक कर रहे हैं कि क्या क्या जरूरी है. लाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, CO2 भी जरूरी है. सो हाउ डू वी चेक इफ क्लोरोफिल इज ऑल्सो नेसेसरी. इसके लिए एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया था. बंदे का नाम है मोल. इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करके बुलाते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट.
इसके लिए बंदे ने क्या किया, डी स्टार्च प्लांट ले लिया और देखो उसने कैसे सेटअप किया है. व्हाट हैज ही डन, ही हैज टेकन अ बॉटल विथ KOH सॉल्यूशन इन इट और उसने लीफ को कैसे देखो आधा बाहर छोड़ा है और आधी आधे पार्ट को उसने KOH सॉल्यूशन वाले पोर्शन में उसने अंदर डाला है, डुबाया नहीं है उसको. क्या होता है, यू नो व्हाट्स द डील विथ KOH, राइट? व्हाट डज KOH डू? इट कंज्यूम्स CO2. तो अंदर वाले पोर्शन में CO2 नहीं है, बात समझ रहे हो ना? और ऐसे सेटअप को उसने सनलाइट में अभी एक्सपोज करके रखा है. तो आप समझ रहे हो कि अंदर वाले पार्ट को भी सनलाइट मिल रही है, बाहर वाले पार्ट को भी सनलाइट मिल रही है. क्लोरोफिल दोनों जगह पे प्रॉपर है. इट्स द सेम लीफ, बस आधे पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, आधे पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा है. आफ्टर कीपिंग दिस सेटअप फॉर 2-3 आवर्स, ही विल चेक दैट लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड व्हाट डज ही ऑब्जर्व, कि जो पार्ट अंदर डूबा हुआ था, अंदर बॉटल के जो अंदर था जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, दैट पार्ट विल बी नेगेटिव फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. और जो पार्ट एक्सपोज था, दैट पार्ट ओनली विल बी शोइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर आयोडीन. करेक्ट? सो इससे क्या प्रूव होता है, व्हाट इज दिस प्रूव, दैट CO2 इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज जोसेफ प्रीसलीज एक्सपेरिमेंट. दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसको पॉपुलरली बेल जार एक्सपेरिमेंट करके बुलाते हैं. ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि प्लांट्स कुछ रिलीज करते हैं. ही डिडंट नो व्हाट इट रिलीजेस, बट दे डू रिलीज समथिंग. एंड हाउ डिड ही परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. लुक एट द फर्स्ट वन. एक बेल जार के अंदर माउस को रखा हुआ है और एक कैंडल को रखा हुआ है. आफ्टर सम टाइम द कैंडल एक्सटिंग्विशेस एंड द माउस विल डाई ऑफ सफोकेशन. यू नो व्हाई दिस हैपेंस, राइट? व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज द माउस रिस्पायर्स सम कंपोनेंट एंड द कैंडल ऑल्सो कंज्यूम सम कंपोनेंट फ्रॉम विद इन दैट स्पेस, जिसकी वजह से दैट कंपोनेंट गेट्स ओवर सोन और इसकी वजह से माउस सफोकेशन की वजह से मर जाता है, कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाती है. राइट? नाउ इन द सेकेंड पार्ट व्हाट ही डज, ही कीप्स द माउस कैंडल अलोंग विद अ मिंट प्लांट इनसाइड. डू यू सी दैट? एंड ही कीप्स दिस सेटअप इन सनलाइट एंड ही ऑब्जर्व्स कि इस केस में कैंडल भी एक्सटिंग्विश नहीं हो रही है, माउस भी नहीं बन मर रहा है एंड एवरीथिंग इज नाइस एंड गुड. व्हाई इज दैट? कैंडल कंज्यूम कर रही है, माउस भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो जो कंज्यूम कर रहे हैं उसी को मिंट प्लांट वापस से रिप्लेनिश कर रहा है. सम कंपोनेंट ही सेड मिंट प्लांट इज रिलीजिंग दैट दीज द माउस एंड द कैंडल इज यूजिंग अप. ही कुडंट से व्हाट इट वाज, ऑल्दो उसी ने बाद में प्रूव किया कि दैट कंपोनेंट इज ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड एज द बेल जार एक्सपेरिमेंट. Next experiment is Jan Ingenhouse experiment. This is also an important experiment that you must study. Do experiments kiye the usne. He used the same setup actually, the bell jar setup with the mint plant, mouse and the candle. He used the same setup. However, usne apne experiment mein kya kiya? Ek setup ko usne andhere mein rakha aur dusre setup ko he kept it in the sunlight. And he found that the setup that was kept in the dark, usme mouse or candle extinguish ho raha hai, mouse mar raha hai despite having the plant inside. However, the one that is kept in the sunlight, usme mouse zinda hai, candle is burning. So despite having the mint plant in both these setups, what was the thing that was different? The light, presence and absence of light. So this shows कि प्लांट को वो चीज निकालने के लिए सनलाइट जरूरी है. Okay? That was his first experiment. The second experiment, the component released by plants is oxygen. This experiment is most important amongst these two experiments.
Okay, look at this setup on the right side. This is a plant. This plant is hydrilla. Okay? Hydrilla is an aquatic angiosperm. I hope you know that. और इसने क्या किया है, सेटअप को पानी में डुबो के रखा है. And he sees that in the presence of sunlight, some small bubbles are being formed on the green parts. और डार्क में सेटअप को अगर रखा तो ये बबल्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं. मतलब उसके बेल जार के एक्सपेरिमेंट का ही ये कंटिन्यूएशन है कि सनलाइट में ही वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है. ऑल्सो ही ऑल्सो टेस्टेड दीज बबल्स. And these bubbles he found were made of oxygen. So, जो भी component release हो रहा है, कौन सा component release हो रहा है, तो oxygen release हो रहा है, ये बंदे ने prove किया, ठीक है? Using hydrilla plant. This is the Jan Ingenhouse experiment. Next, Julius von Sachs. Okay, this is the yes. This is the same hydroponic guy. इसका experiment इसे कोई नहीं पूछता. He showed that green plants, green parts in the plants is where glucose is made and starch is stored, and the chlorophyll is kept inside special bodies, he said, which were later discovered to be chloroplasts. That's it. No experiment. The next experiment, which is Engelmann's experiment, is very important. For his experiment, he used a green algae, Cladophora. A green alga, okay? In the setup that I've shown you, you would see cladophora ये जा रही hydrilla जैसी है, grow कर रही है. इसने क्या किया, एक prism लिया और prism से light को pass करके उसने scatter कर दिया, ठीक है? अभी देखो, पिछले बंदे ने prove किया था कि light ज़रूरी है. अब ये बंदा प्रूव करना चाहता है कि लाइट का कौन सा कंपोनेंट जरूरी है. इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि लाइट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, ठीक है? Look at what he is doing. He is taking a prism, scattering the light. I hope you know that prism scatters the light into whip gear. You can see the whip gear there, nice and good. और पानी जो उसने यूज किया है उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है. एरोबिक बैक्टीरिया है, समझे? ओके, तो इस सेटअप को दो तीन घंटे के बाद जब वो देखता है तो he finds that the bubbles that are formed are only in the blue and the red region, not all over. हर जगह पे सारे radiations के पास bubble नहीं है, blue और red के पास ज़्यादा radiations है, और वहीं पे वो aerobic bacteria accumulate हुए हैं. क्यों? क्योंकि aerobic bacteria को oxygen चाहिए, और ऑक्सीजन उनको कहाँ पे मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा, जहाँ पे वो बबल्स हैं वहीं पे मिलेगा, तो वो ज़्यादातर वहीं पे एक्यूमुलेट हो गए हैं. इससे ये साबित होता है कि जो बबल्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजन है, समझा? ओके, दैट्स एन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट इज कॉर्नेलियस वन नील एक्सपेरिमेंट. ही इसका एक्सपेरिमेंट तो नहीं बताया गया है, बट व्हाट ही स्टेटेड वाज, व्हाट ही वांटेड टू स्टेट वाज दैट कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन ही स्टेटेड कम्स फ्रॉम H2O एंड नॉट फ्रॉम CO2. ओके, एंड हाउ डिड ही प्रूव दैट? ही टुक द एग्जांपल ऑफ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. Do you know these bacteria? ये देखो, ये bacteria इस तरह से photosynthesis करते हैं. CO2 plus H2S. H2O की जगह पे H2S लेते हैं. And then they convert this into C6H12O6. और S deposit हो रहा है. Isn't this similar to our equation of the higher plants? So what does this mean? S deposit हो रहा है, मतलब it's coming from H2S. He knows that. So since higher plants also use H2O, this is H is being removed. That means that oxygen that is coming must be coming from the H2O, not from CO2. It was also later proven by a very good experiment by two other people, Rubin and Kamen,
who used a heavy isotope of oxygen. This is important. They used a heavy isotope of oxygen, which is called O18. You know O18, right? So they used water which was having this heavier isotope of oxygen, that is O18. Or CO2 jo unhone use kiya tha, that was having normal 16 wala oxygen, aur water jo use kiya tha usme 18 wala O tha. Aur iske baad unhone check kiya ki wo jo oxygen release ho raha hai usme wo 18 wala oxygen hai. देखो अगर 16 वाला ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गया होता ना तो इसका क्या मतलब होता कि 16 वाला ऑक्सीजन अगर निकला होता तो इसका मतलब होता कि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आया हुआ है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उन्होंने 16 वाला ऑक्सीजन डाला था. बट क्योंकि ये 18 वाला ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाटर को स्प्लिट करके आया हुआ है. एकदम क्लियर हो जाता है यहाँ पर. अग्री? Yes, so that was the last one. And these are the early experiments. That will be the end of this lecture. The next lecture will be on factors affecting photosynthesis. Good day.